We are starting with question number 12 of exercise 16.2. In the first question, question number 12, we are having check whether the following probabilities P of A and P of B are consistently defined or not. Consistently defined अगर हो हमारे पास probabilities तो उसके लिए हमें क्या condition check करनी पड़ती है कि जो probability of event A या probability of event B है these should be less than the probability of A intersection B. Probability of A उल्टा बोल दिया मैंने. Probability of A intersection B must be less than or equal to probability of A or probability of B. अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि probability of A जो है that is 0.5 और probability of B जो है that is given to be 0.7 and probability of A intersection B जो है that is 0.6. probability of A हमें given है 0.5, B given है 0.7 and A intersection B जो है that is given to be 0.6. तो हमें उसने क्या पूछा कि if this is are these probabilities consistently defined or not? तो हम कहेंगे कि these are not consistently defined because probability of A should be less than or equal to probability of A intersection B should be less than or equal to probability of A or probability of B. ये और इन वो वाला नहीं है, इसको फिर ऐसे लिख लो confusion ना हो, union वाला नहीं है ये. दोनों में से जो है उनकी प्रोबेबिलिटीज या तो उसके इक्वल हो सकती हैं या फिर उससे बड़ी होनी चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है दैट इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो द गिवन प्रोबेबिलिटीज आर नॉट कंसिस्टेंटली डिफाइंड. नाउ द सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में अब हमें क्या क्या गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 5 गिवन है 0.0. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें गिवन है 0.8. सो अब क्या होगा यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हमने चेक करना होता है तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी पहले निकालनी पड़ेगी. सेम फॉर्मूला है जैसे आप यूज करते थे सेट्स वाले, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. तो वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी. सो दिस इज माइनस 0.8, सो दिस इज 0.1. अ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है दैट इज लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एज वेल एज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों से ये लेस है. सो दीज प्रोबेबिलिटीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. मधु एंड रमनीक बोथ ऑफ यू म्यूट योरसेल्फ. रमनीक म्यूट योरसेल्फ. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 12. सिंपली हमने ये शो करना था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. अगर ये दोनों प्रोबेबिलिटीज जो है ए और बी से बड़ी होती हैं तो वी कैन से कि जो हमारा ये है प्रोबेबिलिटीज हैं दीज आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड. ये कंसिस्टेंट है मीन्स ये जो हमारी इवेंट है इस तरह की इवेंट आपकी पॉसिबल है. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपका यही फॉर्मूला यूज होना है. अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालनी है तो दैट इज गिवन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. और अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है दोनों की पोजिशन यूनियन और इंटरसेक्शन वाली पोजिशन आप इंटरचेंज कर दोगे. सो ये फॉर्मूला लगा के अब ये चार में से तीन चीजें हमें गिवन है एंड द फोर्थ वन वी आर टू कैलकुलेट.
So question number 13, part 1. Question number 13 में हमें given है P of A 1 by 3, P of B 1 by 5 and A intersection B 1 by 15. We are to find probability of A union B. कैलकुलेट करो, बताओ कितना आएगा. फॉर्मूला आपके पास है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. चेक इट आउट. सो दिस विल बी 7/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. 1/3 प्लस 1/5 माइनस 1/15. 15 आपके पास एलसीएम आ जाएगा. सो दिस विल बी 5 प्लस 3 8 माइनस 1 7/15. सेकेंड पार्ट में यू आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको कैलकुलेट करनी है. Probability of A 0.35. Probability of A intersection B 0.25 and union 0.6. So values put karenge. A union B is 0.6 is equal to probability of A. Probability of B we are to calculate. Usme se minus karenge 0.25. Simplify and get your answer. तो probability of B की हमारे पास value आ जाएगी 0.5. After simplification, 0.35 में से आप 0.25 minus करेंगे, you will get 0.1 positive. Third part is your homework part. Third part आपने homework में करना है इसका. यहां तक कोई डाउट तो यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क योर डाउट. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. अब ये ध्यान से देखना है. यहां से क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है कि गिवन है हमें पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/5. फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी If A and B are mutually exclusive events. हमें probability A given है, probability B given है, union हमने निकालना है if A and B are mutually exclusive events. यहाँ अब हमें इससे पता लग गया कि events are mutually exclusive, कि उनका जो intersection है that is 5. हमें ये पता है कि probability of A एंड बी जो है दैट इज इक्वल टू 0 या इक्वल टू 5 इफ जो इवेंट्स हैं वो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं. तो प्रोबेबिलिटी जो है हमें यहाँ गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 1/5. अब ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, therefore probability A intersection B. A intersection B जो है वो 5 होता है, तो इसकी probability क्या हो जाएगी 0. और अब रह क्या गया हमारे पास, A union B की probability क्या बन जाएगी, probability of A plus probability of B. तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो कि probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B. आगे ब्रैकेट में लिख देना कि इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या एज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब वैल्यूज पुट करेंगे एंड सिंपली वी विल गेट आवर आंसर.
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ गया हमारे पास 4/5. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 14. अब इसमें बाकी सारा सेम था आपका, कुछ मुश्किल नहीं था. जस्ट आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जब इवेंट्स आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. उनकी जो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है दैट विल बी इक्वल टू जीरो. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में वी आर हैविंग इफ ई एंड एफ आर इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज 1/4, probability of f is half and probability of e and f. probability of e and f का मतलब आपको intersection की probability given है. and find the probability e or f or means union. तो जहां and आ गया means you are to use intersection, जहां or आ गया it means you are to use the union. so फर्स्ट पार्ट इज क्वाइट सिंपल, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका यूज होगा. यू आर गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एज 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ एज हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपको गिवन है 1/8, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ यानी कि यूनियन आपको निकालना है. सो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर. सो सिंप्लीफाई करके 3/8 विल बी योर आंसर. 5/8 यहाँ पे 5/8 आएगा. 2 + 3 = -1 = 4. 2 + 4 = -1/8, that is 5/8. अब सेकेंड पार्ट में वो आपको कह रहे हैं, सेकेंड ध्यान से देखना. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई एंड नॉट एफ. नॉट ई मतलब ई कॉम्प्लीमेंट, एंड मतलब इंटरसेक्शन, नॉट एफ मतलब एफ कॉम्प्लीमेंट. अब ये चीज अगर हम देखें तो हमने सेट्स वाले में ये कंसेप्ट किया था कि जब हमें ये इस तरीके से गिवन होता है ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो हम जो है डी मॉर्गन्स लॉ जो है वो यूज कर सकते हैं. डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंगली ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट जो है दैट इज ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट. जब आप इसको ओपन करते थे ई का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एंड देन एफ का कॉम्प्लीमेंट. तो ई कॉम्प्लीमेंट नॉट ई एंड नॉट एफ का मतलब क्या है? ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो है दिस इज इक्वल टू ई यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट. अब ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट मीन्स 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ हम 5/8 निकाल चुके हैं, सो दिस विल बी 3/8. तो नॉट ई एंड नॉट एफ की जो आपकी प्रोबेबिलिटी है दैट इज 3/8. सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 15. तो मेन आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ किसके लिए यूज हो रही है. नॉट मीन्स कॉम्प्लीमेंट, एंड मीन्स इंटरसेक्शन, और मीन्स यूनियन. After this, moving on to question number 16. Question number 16. अब इसमें not e और not f आपको given है. Not e और not f का मतलब complement, union का complement. Not e and not f में intersection था. Not E और not F में union लेके चलोगे, यानी कि this will be equal to 1 - probability of E intersection F. अब ये given है, इसको जब आप 1 में से subtract करोगे आपके पास probability of E intersection F आ जाएगा. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ आपका जीरो के इक्वल आ रहा है तो इवेंट्स विल बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. जीरो के इक्वल नहीं आ रहा तो इवेंट्स विल बी नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. सो दिस इज योर होमवर्क पार्ट.
आपको इवेंट्स ई और एफ इस तरीके से गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई और नॉट एफ आपको 0.25 गिवन है, ये 0.25 गिवन है, तो ये आपको निकालना है. सो ऑब्वियसली यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इवेंट्स विल नॉट बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. So this was your question number 16. Up to this point, if any doubt is there, you can ask. Otherwise, we are moving on to question number 17. Question number 17 is again simple. Direct aise hi formulae aapke use hone hai. Question number 17 mein you are given. A and B are events such that probability of A aapko given as 0.42. Probability of B given as 0.48. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी आपको गिवन है 0.16, यानी कि मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है, ए एंड बी मीन्स इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी गिवन है, और उसके बाद जो जो उन्होंने पूछा है अकॉर्डिंगली हम निकालते जाएंगे. Probability of A 0.42, B की probability 0.48, probability of A and B यानी कि A intersection B ये given है हमें 0.16. अब first part find the probability of not A simply. The probability of A complement that will be 1 minus probability of A. Complement ke liye aap 1 mein se minus kar dete hain. So this will be 0.58. Same way mein, second part mein hai aapka, find the probability not B. Not B means B ka complement. So this is 0.52. Third part mein find the probability A or B. A or B matlab A union B. So direct formula lagega aapka, probability of A hai aapke paas, B hai. Usme se aap intersection wali probability minus kar denge. So this is 0.42 plus 0.48 minus 0.16. So this is 0.74. अब main जो आपके questions शुरू हो रहे हैं statement वाले question number 18 से, if any doubt is there in this question you can ask. Probability of A given था, not A 1 में से subtract कर दोगे. Probability of B given था, probability of not B के लिए again 1 में से subtract कर दोगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना था, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है, बी गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी गिवन है, फॉर्मूला लगाया हमने डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं इन अ क्लास 11 ऑफ अ स्कूल, एक क्लास है 11th क्लास है स्कूल में, 40% of the students study maths and 30% students bio, 10% study both maths and bio. देखो maths and bio आ गया, यानी कि intersection लेना है, और percent की form में given है, तो ये भी ध्यान रखना है आपने. तो let the students who study maths, उनका जो set है that is denoted by M, जो bio study कर रहे हैं their set is denoted by B. तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एम और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है. प्रोबेबिलिटी ऑफ एम, एम रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग मैथ्स एंड बी रिप्रेजेंट्स द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग बायो. Probability of students who study maths that is given to be 40%.
students who study bio is given to be 30% and the students who study both bio and maths and aa gaya to intersection that is given to be 10%. Find the number of students. If a student is selected at random from the class, find the probability that he will be studying maths or bio or both. Yani ki we are to find out M union B. Ab yahan pe ek cheez ka aapne dhyan rakhna hai. If one student is selected at random, hame beshak given hai, to find the probability of. Ab ye sari hame kyunki probabilities hi given hai, to upon mein divide karne ki jarurat nahi hai aage. To probability of the event that student is either studying maths or bio or both, yani ki union aap leke chal rahe ho, that is directly given by the formula. Probability of maths plus probability of bio minus probability of maths intersection bio. Values आपके पास हैं, put करोगे, you will get your answer. So यहाँ पे direct probabilities की ही बात हो रही थी, तो आपने direct लेके चलना है. 0.6 यानी कि 60% of the students study maths or bio or both. पॉइंट सिक्स था तो 0.6 क्योंकि बाकी सब आपको परसेंट की फॉर्म में गिवन था तो दैट मीन्स 60% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडी मैथ्स और बायो और बोथ. आप यहां तक भी छोड़ सकते हो प्रोबेबिलिटी क्योंकि उन्होंने पूछी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एम यूनियन बी इज 0.6. लास्ट लाइन नहीं भी लिखोगे देन ऑल्सो इट विल बी फाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी इसी तरीके से है. इन एन एंट्रेंस टेस्ट, एक एंट्रेंस टेस्ट है दैट इज ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू एग्जामिनेशंस. द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चोजन स्टूडेंट पासिंग द फर्स्ट एग्जाम इज 0.8 and the probability of passing the second exam is 0.7. तो हम एक इवेंट ई मान लेते हैं that the student is passing the first exam and event F मान लेते हैं कि student is passing the second exam. तो first की probability यानी कि probability of E 0.8 आ जाएगी. second की probability हमें given है 0.7 तो probability of F आ जाएगा 0.7. प्रॉबिबिलिटी उसने आगे क्या कहा कि प्रॉबिबिलिटी ऑफ पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0.95. पासिंग एटलीस्ट वन ऑफ देम मीन्स या फर्स्ट वाले में पास हो रहे हैं या सेकंड वाले में पास हो रहे हैं या दोनों के दोनों में पास होगा. एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम एक में नहीं तो दोनों के अंदर वो पास होगा. तो वो प्रॉबिबिलिटी यानी कि यूनियन हमें गिवन है 0.95. सो वॉट इज द प्रॉबिबिलिटी ऑफ पासिंग बोथ. बोथ का मतलब इंटरसेक्शन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मुझे गिवन है, पहले आप उसमें मेंशन कर दोगे लेट ई बी द इवेंट स्टूडेंट इज पासिंग इन द फर्स्ट एग्जाम, एफ बी द इवेंट स्टूडेंट इज पासिंग इन द सेकंड एग्जाम. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दैट द स्टूडेंट पासेस इन द फर्स्ट एग्जाम वो हमें गिवन है 0.8. probability that the student passes the second exam yani ki probability of f mujhe given hai 0.7 and the student is passing the at least one of them yani ki union aapko given hai ya a pass first mein pass kar raha hai ya second mein pass kar raha hai ya dono ke dono mein pass kar raha hai and we are to find the probability of passing both dono mein se ikatthe simultaneously yani ki e and yani ki e intersection. So 0.8 plus 0.7 minus 0.95. So simplify करोगे, you will get your answer. So probability of passing the both is 0.55. After this, यहां तक कोई डाउट तो यू कैन आस्क, अदरवाइज स्टिल वी आर हैविंग टाइम टू वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
अब नेक्स्ट में देखो वो क्या कह रहे हैं, प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट विल पास द फाइनल एग्जाम इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी. अब बोथ इंग्लिश एंड हिंदी में वो पास करेगा, दैट प्रोबेबिलिटी इज गिवन टू बी 0.5. तो इट मीन्स ई इंटरसेक्शन एफ हमें गिवन है 0.5, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी. तो चाहे ई एच ले लो चाहे ई एफ ले लो. पासिंग इन बोथ है तो इट मीन्स इंटरसेक्शन है. उसके बाद वो कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नीदर इज 0.1. पासिंग नीदर मीन्स ना इसमें ना इसमें, यानी कि दोनों के दोनों में. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ इंटरसेक्शन आपको गिवन है. उसके बाद वो कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द हिंदी एग्जाम. ये प्रोबेबिलिटी गिवन है मुझे 0.75, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ जो है वो मुझे कैलकुलेट करनी है. सो गिवन दोनों में पास हो रहा है 0.5, दोनों में से किसी में भी पास नहीं हो रहा दैट इज 0.1, और इंग्लिश में पास हो रहा है दैट इज 0.75. तो प्रोबेबिलिटी की दैट ही पासेस इन हिंदी जो है मुझे वो निकालनी है. अब देखो मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, एफ मुझे निकालना है, इंटरसेक्शन है यानी कि यूनियन मुझे निकालना पड़ेगा. तो यूनियन निकालने के लिए हमें पता है क्योंकि ये मुझे इंटरसेक्शन में गिवन है, तो अगर मैं इसको 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ कर दूं तो दैट इज इक्वल टू 0.1. यानी कि ये जो चीज है मेरे पास ये ई यूनियन एफ का कॉम्प्लीमेंट है एंड दैट इज गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ. तो 1 माइनस 0.1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ आ गया हमारे पास 0.9. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है, इंटरसेक्शन है, यूनियन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हमें निकालनी है. वैल्यूज पुट करो एंड गेट योर आंसर. तो यू कैन सी कि सेम फॉर्मूला हमारा जो है वो यूज हो रहा है हर एक में. अब यूनियन हमने निकाला 0.9, ई हमें गिवन है 0.75, एफ हमने निकालना है और इंटरसेक्शन हमें गिवन है 0.5. सो दिस इज 0.9 प्लस 0.5 माइनस 0.75. सिंप्लीफाई एंड गेट योर आंसर. सिंप्लीफाई करोगे तो 1.4 माइनस 0.75 यानी कि 0.65 विल बी योर आंसर. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन द हिंदी एग्जाम इज 0.65. सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 20. एनी डाउट इन दिस तो यू कैन आस्क, अदरवाइज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से करना इसको. इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस, 24 ऑप्टेड फॉर बोथ एनसीसी एंड एनएसएस. देखो अब टोटल स्टूडेंट्स हमें गिवन है 60. यहाँ पे अब हमें नंबर गिवन है, प्रोबेबिलिटी नहीं गिवन है, ये ध्यान रखना. पिछले जो इतने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें प्रोबेबिलिटीज गिवन थी, इसमें हमें नंबर गिवन है, तो ये ध्यान रखना है आपने. सो अब वो क्या कह रहा है कि एक 60 स्टूडेंट्स की क्लास है, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हो गए 60, तो जिसमें से 30 ऑप्ट कर रहे हैं एनसीसी, 30 ऑप्ट कर रहे हैं एनसीसी. तो ई मैंने इवेंट मान लिया कि स्टूडेंट इज ऑप्टिंग एनसीसी, एफ मैंने मान लिया इवेंट कि स्टूडेंट इज ऑप्टिंग एनएसएस. अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है 60, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, क्योंकि 30 स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं इसको, तो ये हो गई आपकी 1/2. और एनएससी कितने स्टूडेंट्स ऑप्ट कर रहे हैं आपके, 32, तो ये हो गया आपका 8/15, 4 से कैंसिल आउट हो गया ये. अब इसके बाद उसने क्या कहा, एंड 24 ऑप्टेड बोथ
एनसीसी एंड एनएसएस, एंड मतलब इंटरसेक्शन। टू बाई फाइव, 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा ये 2/5। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट में इफ वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम फाइंड द प्रोबेबिलिटी। अब ये हमें गिवन है, इतने प्रोबेबिलिटी है एनसीसी वालों की, इतनी है एनएससी, एनएससी एनएसएस है नॉट एनएससी, दिस इज एनएस। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एनएसएस, और 2/5 जो है दैट मीन्स कि दोनों की प्रोबेबिलिटी है। अब फर्स्ट पार्ट में वो क्या कह रहे हैं कि स्टूडेंट हैज ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस, एनसीसी और एनएसएस मींस ई और एफ, यानी कि हमने निकालना है ई यूनियन एफ। तो ई है, एफ है, इंटरसेक्शन है, यू कैन फाइंड आउट। सेकंड में वो क्या कह रहा है कि ही इज ऑप्टिंग नीदर एनसीसी और एनएसएस, ना तो वो एनसीसी ले रहा है ना वो एनएसएस ले रहा है, ना एनसीसी ना एनएसएस मींस नॉट। तो ना एनसीसी ना वो ले रहा है, तो दिस विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। वैल्यूज पुट कर देना, यू विल गेट योर आंसर। अब थर्ड पार्ट में वो क्या कह रहा है, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस, एनएसएस वो ले रहा है बट नॉट एनसीसी, एनएसएस वो ले रहा है बट एनसीसी नहीं ले रहा, तो उसमें से जो उनके कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या है कि एनएसएस ले रहा है, एनएसएस के हमने सिर्फ वो स्टूडेंट्स लिए जिनके पास एनसीसी नहीं है, तो उसमें से हमने इंटरसेक्शन माइनस कर दिया इस प्रोबेबिलिटी में से, तो वी विल गेट आर आंसर। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 16.2। इफ एनी डाउट इज देयर यू कैन आस्क, अदरवाइज द टाइम इज ओवर, सो आई विल एंड द मीटिंग। डाउट्स